स्टूडेंट्स, अब मैं द होम कमिंग का सेकेंड पार्ट बताऊंगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पहला पार्ट बताया था। व्हेन फटीक केम इनटू द हाउस हिज मदर सॉ हिम। जब फटीक घर में आया तो उसकी माँ ने उसको देखा। शी कॉल्ड आउट एंग्रीली, और उसने बहुत ही गुस्से से कहा, सो यू हैव बीन हिटिंग माखन अगेन, तो क्या तुमने माखन को फिर से मारा है। मतलब माखन की जो माँ थी या फटीक की जो माँ थी, वह जानती थी कि फटीक माखन को अक्सर मारता रहता है, इसलिए उसने पूछा, क्या तुमने माखन को फिर से मारा है। फटीक एंसर्ड इंडिजेंटली, नो आई हैव नॉट, हु टोल्ड यू दैट। फटीक ने गुस्से से कहा, क्रोधित होकर कहा, इंडिजेंटली मतलब क्रोधित होकर, नो आई हैव नॉट, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। हु टोल्ड यू दैट, आपको ऐसा कौन बताया, किसने बताया। हिज मदर शाउटेड डोंट टेल लाई यू हैव, उसकी माँ ने चिल्लाते हुए कहा, झूठ मत बोलो, तुमने ऐसा किया है। फटीक सेड सडनली आई टेल यू आई हैव नॉट। फटीक ने तुरंत कहा, मैं बताता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने नहीं मारा है। यू आस्क माखन बट माखन दो इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट। और यह कहने के बाद फटीक ने अपने बचाव में कहा कि तुमको माखन से पूछना चाहिए, या आपको माखन से ही पूछना चाहिए। लेकिन माखन अपने पहले वाले स्टेटमेंट पर, पहले वाले कथन पर चिपका रहा, अडिग रहा, यही उसके लिए बेहतर था। ही सेड यस मदर फटीक डिड हिट मी, और उसने कहा कि हाँ माँ, इसने मुझे मारा। फटीक्स पेशेंस वाज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, फटीक का धैर्य पहले ही समाप्त हो चुका था। पेशेंस मतलब धैर्य, एग्जॉस्टेड मतलब अत्यधिक थकान, तो उसका जो धैर्य था अत्यधिक थक चुका था, मतलब उसका धैर्य जा चुका था, वो अपना धैर्य खो चुका था। ही कुड नॉट हियर हिज इनजस्टिस, ही कुड नॉट हियर दिस इनजस्टिस, वह इस अन्याय को नहीं सुन सका। ही रश्ड एट माखन एंड हैमर्ड हिम विथ ब्लोज, टेक दैट ही क्राइड एंड दैट फॉर टेलिंग लाई। वह दौड़ पड़ा माखन पर और अपने घूसों से उसको मारने लगा। हैमर्ड मतलब अपने हाथ से हैमर्ड की तरह, हथौड़े की तरह मारने लगा, और कहा यह ले, मारते हुए जितना बार चोट करता उतना कहता था यह ले, झूठ बोलने के लिए। हिज मदर टोक माखन साइड इन ए मोमेंट एंड पुल फटीक अवे, उसी क्षण उसकी माँ ने माखन का पक्ष लिया और फटीक को खींच कर दूर कर दिया। बीटिंग हिम विथ हर हैंड्स, और खींचते हुए उसको अपने हाथों से पीट भी रही थी। व्हेन फटीक पुश्ड हर एसाइड, और तब फटीक ने अपनी माँ को एक तरफ ढकेल दिया। अब उसकी माँ कह रही है, ही शाउटेड आउट, वह चिल्ला पड़ी, व्हाट यू लिटिल विलेन, दुष्ट विलेन का मतलब खलनायक होता है, व्हाट यू लिटिल विलेन, तुम छोटे दुष्ट व्यक्ति, वुड यू हिट योर ऑन मदर, क्या तुम अपनी माँ को मारोगे। इट वॉज जस्ट एट दिस क्रिटिकल जंक्चर दैट द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर अराइव्ड। क्रिटिकल जंक्चर मतलब होता है संकटकालीन समय या मुश्किल का समय। तो इस मुश्किल के समय में जब जबरदस्त तकरार चल रही थी, मारपीट हो रहा था और वो प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे, ठीक उसी समय वह पके हुए बालों वाला अनजाना व्यक्ति पहुँचता है। ही आस्क्ड व्हाट द मैटर वाज, और वो पूछता है क्या मामला है, क्या मामला था। फटीक लूट सीपेस एंड असेम्ड, अब फटीक थोड़ा मुँह छिपाते हुए, मुँह चोर बनते हुए शरमाया। सीपेस मतलब मुँह चोर और असेम्ड मतलब शरमाया। बट व्हेन हिज मदर स्टेप्ड बैक एंड लुक्ड एट द स्ट्रेंजर हर एंगर वॉज चेंज टू सरप्राइज, लेकिन जब उसकी माँ ने पीछे कदम बढ़ाते हुए देखा उस अनजाने व्यक्ति को, तो उसका जो गुस्सा था वह आश्चर्य में बदल गया। सरप्राइज मतलब आश्चर्य, एंगर मतलब गुस्सा।
Foxy recognized her brother and cried. वह अपने भाई को पहचान गई और चिल्लाई, वाई दादा, where have you come from? और चिल्लाते हुए उसने कहा, अरे दादा, आप कहाँ से आए? As she said these words, जैसे ही उन्होंने यह वर्ड कहा, यह शब्द कहे, बात कही, she bowed to her ground and touched his feet. वह जमीन पे झुक गई और उसके पैरों को स्पर्श किया, मतलब प्रणाम किया. Her brother had gone away from ground. Her brother had gone away soon after she had married. उसका जो भाई था, उसकी शादी के तुरंत बाद दूर चला गया था. और and he started business in Bombay. और बॉम्बे में जाके एक बिजनेस शुरू किया. His sister had lost her husband while he was in Bombay. और उसकी जो बहन थी या फटिक की जो माँ थी, उसने अपने पति को खो दिया, मतलब उसका पति मर गया जब वो उसका भाई बॉम्बे में था. तभी बिसंबर हैड नाउ कम बैक टू कलकत्ता. उसके इस अनजाने व्यक्ति का, जो कि फटिक की माँ का भाई था, उसका नाम है बिसंबर. बिसंबर अब कलकत्ता आ चुका था. एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायरी अबाउट हिज सिस्टर. और आते ही उसने अपनी बहन के बारे में पूछताछ किया, बहन के बारे में जानना चाहा. ही हैड देन हैस्टेंड टू सी हर एज सून एज ही फाउंड आउट वेयर सी वाज. उसको अपनी बहन को देखने की बहुत जल्दी थी, बहुत जल्दी किया और उसने अपनी बहन को पाया, पहुंचा, खोजा और देखा. हैस्टन मतलब जल्दी, जल्दी करना. जब उसने जाना कि उसकी बहन के साथ क्या कुछ हुआ है, तो उसने अपनी बहन से मिलने की जल्दी की. द नेक्स्ट फ्यू डेज वेयर फुल ऑफ रिजॉइसिंग. अब जो अगले कुछ दिन थे, काफ़ी हर्षोल्लास से भरे हुए थे. रिजॉइसिंग का मतलब होता है खुशी से भरा हुआ. द ब्रदर आस्क्ड आफ्टर द एजुकेशन ऑफ द टू बॉयज. जो भाई था, जो मामा था बच्चों का या फटिक का, इसका नाम बिसंबर था, उसने बच्चों के शिक्षा दीक्षा के बारे में पूछा, दोनों ही बच्चों के बारे में. ही वॉज टोल्ड बाई हिज सिस्टर दैट फटिक वाज परपेटुअल न्यूसेंस. उसको अब बिसंबर को बताया गया, उसकी बहन के द्वारा उसको बताया गया कि जो फटिक है वह निरंतर उपद्रवी होता जा रहा है. परपेटुअल मतलब निरंतर, न्यूसेंस मतलब उपद्रवी. ही वॉज लेजी डिसोबीडियंट एंड वाइल्ड. वह लेजी मतलब आलसी है, डिसोबीडियंट मतलब आज्ञा नहीं मानता है, अवज्ञाकारी है, और वाइल्ड, वाइल्ड मतलब जंगली, जंगली तरह का है, मतलब शिष्टता उसके अंदर नहीं है, अशिष्ट हो गया है. बट माखन वाज एस गुड एस गोट. लेकिन माखन इतना अच्छा है जितना कि सोना. सोना को हम बहुत कीमती, मूल्यवान मानते हैं. तो उसका माँ का कहना था कि माखन तो सोने जैसा है. एस क्वाइट एस लैम. और इतना शांत है जितना कि मेमना. मेमना बकरी के बच्चे को कहते हैं, तो बकरी की मेमने की तरह सीधा और शांत है. एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग. और पढ़ने का बहुत शौकीन है. बिसंबर काइंडली ऑफर्ड टू टेक फटिक ऑफ हिज सिस्टर हैंड्स. बिसंबर ने एक ऑफर दिया, एक प्रपोजल रखा उसकी माँ के सामने कि वह फटिक को उसके हाथों में सौंप दे. एंड एजुकेट हिम विथ हिज ऑन टू चिल्ड्रेन इन कलकत्ता. और वह उसको कलकत्ता में अपने बच्चों के साथ शिक्षित करेगा, मतलब पढ़ाएगा. द विडोड मदर रियली एग्रीड. वह जो विधवा औरत थी, विधवा माँ थी, वह शीघ्र ही, तुरंत ही सहमत हो गई, तैयार हो गई कि ठीक है, मेरे बेटे को आप ले जाओ और अपने बच्चों के साथ पढ़ाओ लिखाओ. When his uncle asked Fatik if he would like to go to Calcutta with him. अब उसके अंकल ने, या ये कहिए कि उसके मामा ने, फटिक के मामा ने फटिक से पूछा कि क्या तुम कलकत्ता चलना पसंद करोगे. ही जॉयज न्यू नो बाउंड. फटिक की खुशी का तो सीमा ही नहीं था. फटिक बहुत प्रसन्न हुआ.
एंड ही सेड ओ यस अंकल, और उसने तुरंत ही कहा हाँ मामा जी मैं तो चलूँगा। इन ए वे दैट मेड इट क्वाइट क्लियर दैट ही मीन्ट इट, और कुछ इस तरह से कहा जैसे कि वह भी यही चाहता हो कि कलकत्ता जाने का उसे अवसर मिले। इट वॉज एन इमेंस रिलीफ टू द मदर टू गेट राइड अप फटी। इट वॉज एन इमेंस, इमेंस मतलब सांत्वना, रिलीफ मतलब आराम, और राइड अप मतलब पीछा छूटना। तो फटिक की माँ के लिए यह काफ़ी शांति और सांत्वना की बात थी कि चलो फटिक से पीछा छूटा। सी हैड ए प्री जू डाइस अगेंस्ट द बॉय, क्योंकि वह अपने इस लड़के के प्रति पूर्वाग्रह रखती थी। एंड नो लव वॉज लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर, और यह पूर्वाग्रह था कि जो दोनों भाई हैं उनके बीच आपस में कोई प्रेम, कोई भाईचारा, कोई स्नेह नहीं है। सी वॉज इन डेली फियर दैट ही वुड आइदर ड्राउन माखन सम डे इन द रिवर, और उनको इस बात का भय भी बना रहता था, प्रतिदिन इस बात का भय सताता था कि कहीं फटिक माखन को नदी में डुबो न दे। अब ब्रेक हिज हेड इन ए फाइट, या मारपीट में उसके सिर को न तोड़ दे। आर रन हिम इन टू सम डेंजर आर अदर, या उसको किसी दूसरे खतरे में न ढकेल दे। मतलब वो सोचती थी कि फटिक उसके भाई के साथ कुछ भी कर सकता है, वह जानलेवा भी हो सकता है और काफ़ी हानिकारक भी हो सकता है। एट द सेम टाइम सी वॉज समवॉट डिस्ट्रेस टू सी फटिक एक्सट्रीम ईगरनेस टू गेट अवे, और ठीक उसी समय उनको इस बात का थोड़ी खिन्नता भी हुई, डिस्ट्रेस मतलब खिन्नता, यह देखते हुए कि फटिक भी जाने के लिए काफ़ी उत्सुक है, क्योंकि उसे इस बात की खुशी हो रही थी कि चलो इससे पीछा छूटा, और क्योंकि दोनों भाई भी मारपीट होती थी बहुत शरारत करता था, तो फटिक में जो उत्सुकता थी जाने की, तो उसे लगा कि वह भी जैसे उबा हुआ है इस माहौल में और वह भी जाना चाहता है। तो ये सब देखते हुए उसे थोड़ी खिन्नता भी हुई। तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें।